घर नहीं जाना, वो मुझे मार देंगे। कौन मार देगा? बाबूजी और दादी। जिस लड़की को देखो मुंह लेकर यहीं चली आती है, हवेली का मान सम्मान सब खत्म हो रहा है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझी? मुझे जाने दो, मुझे मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है, मुझे जाने दो। अभी तो आपको पता चल गया है ना कि नकुशा को उसके दादी और बाबूजी से खतरा है। पहुंचा देंगे नकुशा को भी ऊपर, चिंता मत कर, पहले तू फिर तेरी बेटी। एक बार नकुशा के नाना नानी मिल जाए फिर उसके दादी और उसके बाबूजी का बचना इम्पॉसिबल। मैंने लगा दी अपने हिस्से के सारे। एक बार पहली बार बदलीपुर के प्रिंस को सही काम मिला है। चिपका रहता ना हर जगह, बार सही चिपकाने का काम दे दिया इसे, देख। ओह सॉरी, हरा। हाय। आई थॉट कि कुछ हेल्प कर दो। नहीं बस ऑलमोस्ट हो ही गया। अब हेल्प तो अभी भी कर सकती है यार, लेकिन तेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा तेरी हेल्प करने की नीयत है। ओह डोंट फॉरगेट, ये केस वैसे मिला किसकी वजह से? हमारी वजह से। हमारी वजह से? मतलब हमारी वजह से। भाई इस चीज के लिए तुझे श्रीफल और शॉल से सम्मानित कर दूं क्या? हैं? ओ हेलो, तुम स्मार्ट हो गए, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। प्रिंस, यहाँ बहुत भीड़ है, अगर तुम्हारा काम हो गया तो यहाँ से चले प्लीज। क्यों नहीं, चलो। अरे अदरक, थोड़ा ध्यान काम पे भैया, वो पोस्टर जो निकला है वो और सारे लगा दिया। हाँ चल, लास्ट की में लग। अरे तारा, तेरा भाई यार लोहा भंगार है एक नंबर का। अदरक 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 क्या, ये देख कैसे चुंबक की तरह चिपका हुआ है। अब तारा फेसबुक से कुछ मिला? चेक नहीं किया, अभी चेक करते हैं। कर जल्दी। किति, इस पोस्ट को बहुत लोगों ने शेयर तो किया, कुछ पता नहीं चला। भाई तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हमारी बात ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं जाती, समझी? अब देख कैसे पहुंचती है। सुनो सुनो सुनो, बदलीपुर में बेटी कमला के माँ बाप आकर मिले, एक जरूरी खबर है, इस नंबर पर संपर्क करें। 973-8249-255। अच्छा, और बदलीपुर तक ये बात कैसे पहुंचेगी, आपकी चिल्लाने से? अरे टैप। रेडियो से पहुंचेगी। हाँ, ये बात एकदम करेक्ट की है इसने। अगर तू चाहे ना तो तेरी आजी ने की पूरे बदलीपुर में ये बात फैला सकती है ना? हाँ अदरक, जैसे आपने ब्यूटी आंटी को विश करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, वैसे हम सब आजी आरजे निकी को रिक्वेस्ट भेजेंगे। अरे वाह, कमाल है, बदलीपुर के पूरे दीवार को तुम लोगों ने पोस्टर से ढक दिया, वेरी नाइस। हम मैं चलती हूँ। मैडम तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा तो जा रही हो तो एक हेल्प कर दो मेरी, वो आरजे निक्की तक ना एक ईमेल पहुंचा दो मेरा, वो ये नाकुशा है ना, इसकी स्टोरी वहां तक पहुंच जाएगी तो बढ़िया रहेगा, इसके नाना नानी भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, अभी जा रही हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। दो दिन हो गए पूरे बदलीपुर को पोस्टर से ढक दिए, लेकिन अभी तक तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, बताओ। वैसे भी पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तो कैसे होगा जरा बताना। टीवी पर एड देने से। और उसका पैसे कौन देगा बेटे, तेरे वो बदलीपुर के बेताज बादशाह प्रिंस? अभी दो दिन ही तो हुए पोस्टर्स लगा के, अब से वेट ही नहीं हो रहा। हाँ तारा, वो फेसबुक के पोस्ट का क्या हुआ?
पोस्ट वायरल तो हो गई है पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैंने तो लाइक तक नहीं किया। तेरी पोस्ट को ना गिन के 4 लाइक मिलते, तेरी लाइक करने से बड़ी हमें हेल्प हो जाएगी ना। तेरी लाइक करने से क्या होगा बे? वेट, तारा की पोस्ट थोड़ी लाइक करेगी, ये तो इनके श्री श्री एकाएक भैया प्रिंस को लाइक करती है। देखा, आ गई है, घूम रही थी बाहर। अरे इस नन्ही सी जान पे क्या क्या छोड़ के जाओगी, और टिप टॉप करके रख दूंगा मैं। तुम कुछ भी काम एक अच्छा नहीं कर रही हो, यही चल रहा है बस। यहाँ पे मैं ही संभाल रहा हूँ, ये दुकान एक दिन बंद होगी, देख लेना तुम, देख लेना। अच्छा दुकान बंद कराएगा, दुकान बंद कराएगा, दुकान बंद कराएगा, पागल कहीं का। कोई कुछ नहीं। बदलीपुर की बेटी है कमला, और आप अगर कमला के पेरेंट्स को बदलीपुर में जानते हैं तो उनका पता हमारे साथ कीजिए शेयर, क्योंकि एक जरूरी खबर उनका कर रही है इंतजार, और आपके फोन कॉल्स का कर रही है इंतजार आपकी अपनी आरजे निकी। आरजे निकी तो हर बात एकदम तुरंत कैसे पता चल जाती है? रोशनी मैडम, क्या सुना तुम लोगों ने, क्या सुना? रोशनी मैडम, हाँ तो रोशनी मैडम ने शायद ईमेल कर दिया हो। हाँ। क्या सुनते हो बे तुम भी? फोन आ रहा है। फोन आ गया। हेलो। जी। थैंक यू। हेलो। हेलो। मैं कमला की माँ बोल रही हूँ। कमला की मम्मी। हाँ जी आंटी, बोलिए बोलिए। हमने पोस्टर देखा, क्या खुशखबरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी आप एक काम कीजिए, अपना एड्रेस हमें भेज दीजिए, हम खुद आकर आपको सब बातें बताएंगे, है ना? ठीक है। थैंक यू आंटी, बाय। देखा बेटी, मेरा आइडिया काम आ गया ना। मेरा पोस्टर मैंने लगाई थी। अच्छा। हमने तो कुछ नहीं किया था। हाँ तो अब हम क्या करते हैं कि पुलिस को जाके बता देते हैं कि नकुसा की नानी का हमें पता लग गया। अच्छा हुआ हरिओम अंकल ने कहा कि ये नकुशा अब अपनी नाना नानी के साथ रह सकती है। वेरी गुड। हाँ एटलीस्ट अब वो अपने घर पे रह सकेगी। हाँ एकदम सही, मैंने कहा था ना तुम लोग को कि मेरे पापा के बिना तुम लोग का काम चल ही नहीं सकता। देखा मुझे पता था इसके पापा तुरंत कहीं ना कहीं से बीच में आ जाएंगे। तो गलत क्या बोल दिया करिश्मा ने, ये डिसाइड तो उसके पापा ही करेंगे ना। अच्छा देख रही है किट्टी कि गलत क्या कह रही है करिश्मा। ओहो अब बेचारा करे भी तो क्या करे, है ना। अब वैसे तारा जब इसकी बाइक गुम हुई थी तो किसने ढूंढ के दी थी? हमने। तो यहाँ पे बाइक बीच में कहाँ से आ गई? जैसे इसके पापा बीच में आ गए। हेलो मेरे पापा कभी बीच में नहीं आते, और वैसे भी उनकी ड्यूटी है क्रिमिनल्स को पकड़ना। करिश्मा ये उन सभी लोगों की ड्यूटी है जो बदलीपुर में रहते हैं। नाना तारा इसके पापा की ड्यूटी है ये, हमें तो उड़ान देवी छपने में आके बताती है ना कि क्या मामला चल रहा है बदलीपुर में, तभी हम उसे सॉल्व करते हैं। यार अदरक इतना तो उल्टा कुछ नहीं बोला करिश्मा ने। पानी तू तो बीच में बोलेगा ही ना, उसका सेक्रेटरी है जो। और तुम तो उलझो मत हमसे। बाल उलझे बेब। हाँ जिसके बाल उलझे हो, जिसके ये उलझे हो, यही है ना बस। हाँ यही शैम्पू करके आई लड़की आज। अब यही बात करने को रह गया है ना, किसने शैम्पू किया है, किसने ब्रश किया है, और किसने कपड़े धोए हैं। प्रिंस यहाँ ना बहुत भीड़ है, कहीं और चले। प्रिंस यहाँ भीड़ बहुत है, कहीं और चलते हैं, यहाँ हम गुम हो जाएंगे। चलो करिश्मा चल चल, चलो गाइस हम चाय पीते हैं। रोशनी, अरे रोशनी, लो अब इग्नोर करना भी शुरू कर दो। किसको? मुझको और किसको, कब से आवाज दे रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं कुछ सोच रही थी। सोच रही उसमें नया क्या रोशनी जी, वो तो आप रोज करती हैं, साथ में होती हैं लेकिन फिर भी कहीं और होती हैं। एनीवेज कहाँ से आ रही थी? इट्स ओके अगर आप नहीं बताना चाहती, कोई बात मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, क्या है ना बातों के सिरे तो ढूंढने पड़ते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बताऊं आपको और क्या छोड़ दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सिरे को सुलझाती हूं तो दूसरा उलझ जाता है। आप कितना गुस्सा दबा के बैठी हैं अपने अंदर, बता देने से मन हल्का हो जाए, जीना आसान हो जाए। हाँ मैं गुस्सा हूँ, उस मासूम सी बच्ची नकुशा को देखिए ना,
क्या गलती है उसकी? इस उम्र में दर दर भटक रही है। अरे लड़का हो चाहे लड़की, ये सिर्फ और सिर्फ पिता पर निर्भर करता है, माँ पर नहीं। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। लड़की पैदा होगी तो क्या होगा, लड़कियाँ इंसान नहीं होती है। मैं भी लड़की हूँ, किसी पर बोझ हूँ क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप तो कितनों की हिम्मत है। बोझ तो वो लोग हैं जो लड़की को लड़के से कम समझते। आप बाकी आदमियों को अपने जैसा नहीं बना सकते। आप भी बाकी लड़कियों को अपने जैसा बना दीजिए। ना क्या लेकर बैठ गई, पर क्या करूं? जब से नखुशा से मिली हूँ बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। चलिए अच्छा है, आपने अपने मन की बात शेयर तो कर दी। लेकिन दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितनी दिखती। हाँ इतनी भी बुरी नहीं है डॉक्टर अर्जुन। आपको पता है प्रधान जी भी बदल रहे हैं, और आज तो प्रिंस और तारा दोनों में इतनी हिम्मत आ गई है कि आज उन दोनों ने मेरे लिए स्टैंड लिया। अच्छा तो हो रहा है। और ये क्या कम अच्छा है कि आज आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर रहे हैं? आपसे तो कहती हूँ। करती तो है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपने मुझसे शेयर नहीं करी। कोई बात नहीं, जब मन करेगा तब बता दीजिए। ये सब मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। अच्छा, बहुत सुंदर है। चलिए हम भी आपको कुछ सिखाते हैं। दीजिए ये देखिए, इसको ना बेटा आप इसे बनाइए, हम किचन में जाके ना जरा गैस बंद करके आते हैं। मत जाओ। बस एक मिनट बेटा, अब जब तक ये बनाएंगे हम वापस भी आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं मिलता यहाँ। चल चल मान लो क्या, चल क्या कर रहे हो आप? छोड़िए इसका हाथ, छोड़िए। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि आप फिर से वही कहानी दोहराएंगे और हम चुप रहेंगे? तुमको सही किया, आवाज उठाना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। वैसे आप क्या कह रही थी, फिर से वही कहानी, इसका क्या मतलब है? नहीं वो बस एक पहले भी डरा चुके हैं ना, तो बस वही कह रही थी कि दोबारा ना डरें। हेलो रोशनी जी। जी एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर? जी हाँ, नकुशा को लेकर आ जाइए, उसके नाना नानी मिल गए। क्या? मैं भी आती हूँ। दमयंती जी इसके नाना नानी मिल गए, तुम्हारे नाना नानी मिल गए, हम लोग जाते हैं, चलो। जैसा कहा वैसे ही कर। तुझे तेरे पोते की कसम, इसे जिंदा रखना।
कमला जी की माँ है? नमस्ते, मैं किती, आपसे बात की थी ना फोन पर। कमला की बेटी यहाँ बदलीपुर में कहाँ और कैसे? सुनिए सुनिए, देखिए आप लोग कौन? और ये पुलिस? घबराइए मैडम, वो क्या है ना, हमें नकुशा मिली है बदलीपुर में, कमला जी की बेटी। कमला? कमला की बेटी कहाँ है? ये रही। नानी? जाओ। कमला की बेटी? ये फोटो मिली थी इसके पास। ये फोटो तो हमारी है। हाँ? नकुसा, ये बच्चा। इसे कैसे ढूंढा? ये जो फोटो मैंने आपको दी है, इसके पीछे बदलीपुर का नाम लिखा है। हम बस उसी को देखकर यहाँ आ गए। आप ही ने लिखा होगा शायद, पूरा एड्रेस नहीं था इसीलिए आप तक पहुँचने के लिए हमें पोस्टर्स छपवाने पड़े। यहाँ आई ही नहीं वो, तो उसे एड्रेस कैसे पता होता? क्यों नहीं आई? मेरा मतलब है, बच्चे तो अक्सर आते हैं ना अपने नाना नानी से मिलने। हम सब इससे मिले थे जब ये पैदा हुई थी। मनहूस कहीं की? कितनी प्यारी गुड़िया हुई, देखिए ना, बहुत सुंदर है। लाइए ना मिठाई, खिलाइए। मुंह मीठा कर दी। किस बात का मिठाई? यहाँ कोई खुशी नहीं है, और मिठाई खाने का शौक हो ना तो तुम दोनों खुद खाओ। एक साल बाद आ रहा जब बेटा पैदा होगा। चलो चलो निकलो यहां से अभी। और फिर आप लोग उसे छोड़कर वहां से चले आए। क्या करते, शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, फिर वो जाने और उसका घर वाले जाने। शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो आप लोगों की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है? यही रीत है ससुराल की, ज्यादा दखल अंदाजी करने से मामला बिगड़ जाता है। अब कौन सा सुधर गया आपके चुप रहने से? जान पर बनाइए उसकी। देखिए, माता पिता का दूसरा नाम साया होता है, चाहे दुख हो या किसी भी जगह वो अपने बच्चे के साथ हमेशा रहते हैं। अभी फोन भी नहीं आया आपकी बेटी से। एक बार फोन पे बात हुई थी बस। मां, मुझे यहाँ से ले जाओ। मां ले जाओ? कहाँ ले जाऊँ बेटा? मुझे अपने पास ले जाओ माँ। कमला, क्या हुआ है बेटा? वो रोज मारपीट करते हैं, अब नहीं सह जाता मुझे। बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट? वो रोज मारते हैं मुझे, आपको समझ नहीं आ रहा माँ मैं क्या कह रही हूँ। कमला रो मत बेटा, देखो झगड़ा तो हर पति पत्नी के बीच में होता है ना, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ दे। माँ आपको क्या हो गया, मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ। कमला, शादी के बाद बेटा पति का घर ही लड़की का घर होता है, ये बचपना छोड़ दे बेटा तू। प्लीज माँ, मुझे मुझे यहाँ से लेके जाओ। हेलो समदन जी, बड़ी चिंता हो रही है बेटी की। अब की बार अगर फोन आया या इसने किया
तो आके ले जाइए अपनी बेटी को हमेशा के लिए, समझे? किसका फोन था? कमला का फोन था, उसकी सास ने फोन छीन लिया और कह रही है कि अब दोबारा फोन करोगे तो अपनी बेटी को साथ ले जाओ। क्या करते कोई माँ बाप अपने बेटी का घर उजाड़ना चाहता है क्या, बताइए? मतलब अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ सकते हैं पर उस घर को नहीं छोड़ा सकते, ये कहां की समझदारी हुई? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अपने कंधे का बोझ दूसरे कंधे पर डालकर आप बस अपना हाथ झड़कना चाहते थे। इतना मुश्किल है समझना कि लड़कियां बोझ नहीं होती है। शायद इसी का नाम कलयुग है। कमला कहाँ है? नानी आप प्लीज माँ को बचा लीजिए। हाँ बेटा, हम कमला को बचा लेंगे, तुम्हारी मम्मी को बचा लेंगे बेटा। आपकी बेटी की जान खतरे में है, आपको पता है कहाँ रहते हैं वो लोग? विश्वास नगर में। विश्वास नगर? मगर नकुशा तो शकरपुर कह रही थी। कई सालों से कोई खबर नहीं है उनकी, शायद घर बदल लिया है। अंकल मैंने भवानी काका से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि वो दो दिन पहले ही शकरपुर से एक ट्रक लाया है, शायद उसी ट्रक में बैठ के नकुशा आई हो बदलीपुर। ये हमें कमला को उस नरक से निकालना होगा बाहर, जल्द से जल्द। भटुकना तो उसकी माँ इतनी आसानी से अपने गुनाह कबूल कर ले, ये संभव नहीं। उन्हें अपने जाल में फंसाना होगा क्योंकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। मेरे पास एक प्लान है। किटी का प्लान? और नाकामयाब हो जाए? इम्पॉसिबल। क्या नकुशा नाम की लड़की यहीं रहती? नहीं, यहाँ नहीं रहती। आज जैसे तैसे पीछा छुड़ा लिया, कल अगर जायदाद में हिस्सा मांगने आई तो इसको रास्ते से हटाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ये नहीं बोलेगा लेकिन इसका फोन बहुत कुछ बोलेगा। काम हो गया? अरे मार दिया नकुशा को।